सही है, पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो से है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग है कि G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है, हम साया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्रीज से, लेकिन उस 20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या रीज़न है जो कि इंडिया शामिल हो सकता है 75 सालों में लेकिन पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ जाता है? आपको नहीं लगता कि रीज़न भी बहुत मैटर करता है? आप किस रीज़न के लिए गए हो? अगर आप तो पैसे लेने के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम नहीं किया जाएगा, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हो, किसी डील के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम किया जाएगा, ये भी एक इशू है या नहीं? इसमें मैं एक्चुअली ये बात करना चाहूँगा कि जब यूब खान गए थे अमेरिका में तो उनका इतना वार्म वेलकम हुआ था वहाँ पर, तो जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनका उस हिसाब से नहीं वेलकम होता उस हिसाब से, क्योंकि वो एक उनको पता है कि हम मकसद कुछ और है। बिल्कुल, तो अयूब खान जब गए थे तब उनके कार्ट में ना गाड़ी में उठा के सैर कराई गई थी, तो हमें ये तो एक क्लियर समझ आ चुकी है कि लॉ ऑफ नीड है, जब हमें हमारी किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तब हमारी इज्जत करता है। ज़ाहरी बात है, ये एक दुनिया का कानून है कि जिससे आपको ज़रूरत होगी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, कि और ख़ासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरे नंबर पे कमिटमेंट भी मैटर करती है या नहीं, कि मतलब यार ये बंदा कमिटमेंट का पक्का है, इसके साथ हमने बात की तो पता चलेगा कि ये बात को निभाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप एज अ नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए, आपका एक मेयार होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, आपका पास्ट ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसने अपनी नेशन से एक मेजोरिटी वोट के साथ ये आया है, तो ये मेरी बात को मद्देनजर रखेगा और मेरी अपनी कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट करेगा उस पर पूरा उतरेगा। हाँ जी बिल्कुल, तो कमिटमेंट में आप पहले डिसाइड करेंगे मैंने ये करना है, लेकिन ऐसे ना हो कि आप बस अपने एक काम करवाने के लिए 10 काम आप अपनी कौम के ख़राब कर दें। बट दैट थिंग मैटर कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि विच इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड विच विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई नेशन एज वेल। पाकिस्तान, अगर आप दोनों से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप साथ आ जाए, गुफ्तगु इंटरेस्टिंग हो रही है, क्वेश्चन दोनों से ये है, पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग नेशन हम हैं, लेकिन ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फर्क आता है। अब हम यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर। हाँ जी, इन अ सेंस कि अब देखें ना, हमारी पिछले 3-4 माह में या पिछले एक साल में ले लें, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रही हैं। अब दुनिया में किसी ने भी अगर सपोज कोई हमें मालदीव्स या इंडोनेशिया से अगर हमें देखता है तो वो सबसे पहले तो देखता ना कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग है, इस मुल्क में सबसे पहले टैलेंट वगैरह की बातें बाद में आती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, वो कितने स्टेबल हैं, उनकी कितनी मुल्क में चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे थोक के हिसाब से वज़ीर आज़म आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, वज़ीर आला हमारे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और सबसे पहले मेन चीज़ें यही मैटर करती हैं। अब ओबियसली अगर आप टैलेंट की, असल में इंडोनेशिया पहुंचने के बाद G20 सम्मेलन के दौरान PM मोदी की एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस फोटो में PM मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कुछ समझा रहे हैं, और PM मोदी का बाइडेन को जो समझाने का तरीका है वो ये बताता है कि PM मोदी क्यों इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं और क्यों वो इतने शक्तिशाली नेता हैं। अब G20 समिट 2022 के दौरान इंडोनेशिया में PM मोदी की मुलाकात दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स से हुई, जिसमें जो बाइडेन, ऋषि सुनक, फूमियो किशिदा और शी जिनपिंग सहित कई और अन्य बड़े बड़े देशों के लीडर्स शामिल थे। कि G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है, हम साया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्रीज से, लेकिन उस 20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या रीज़न है जो कि इंडिया शामिल हो सकता है 75 सालों में लेकिन पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ? उसका कोई एक फैक्टर या एक रीज़न तो नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो लेट क्लास है उसका इशू ये है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस और हैं, सेल्फ फोकस नहीं है, मुल्क को लेके सीरियस नहीं है, और उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आने वाली नस्लों की ग्रोथ के लिए, मुल्क के जो गरीब अवाम हैं उनकी ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, उसका भी फ्लॉज हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब कंपैरिजन भी कर लें इंडिया के साथ, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँगा कि इंडिया की जो पोलिटिकल सिस्टम है
उसमें सिस्टम ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ने आगे वहाँ पे काम करना है तो उनको वहाँ पे सेटअप लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ले लें, यहाँ पे सिर्फ असम्बलिंग हो रही है, जापान से, कोरिया से, चाइना से सिर्फ चीज़ें आती हैं, बनी बनाई यहाँ पे असम्बल होती हैं और सेल हो जाती हैं, और वही पैसे जो होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं, इसके लिए तो बड़ा बहुत बड़ा डिबेट है।